वैसे उदय, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो सर, आपने ये एक्ट किया माइग्रेंट वर्कर वाला, जी सर, और आपके भी एक दोस्त हैं, हाँ सर, उनके बारे में मैं चाहता हूँ आप सबको बताएं। हमारे बस्ती में हमारे घर के सामने एक बहन रहती है, तो सर वो काम के लिए बाहर गए थे बहुत दूर, तो जैसे ही लॉकडाउन लगा सर, तो लॉकडाउन में वो फंस गए वहाँ पर। बच्चा था दीदी के पास, सिर्फ 3 महीने का बच्चा था सर, 3 महीने का। एक बच्चा एक और था, 3 बच्चे और दीदी के, और उनका पति थे सर, उनका नाम सुनीता नाम है। तो बहुत दूर से सर पैदल ही आए, कभी जंगल में सोए, कभी रेल के पटरी पटरी आए सर। तो उनका 3 महीने का बच्चा भी बहुत तकलीफ में ऐसा हो गया सर, बता नहीं सकते, कि मम्मी का दूध उतर नहीं रहा था। खाना उनको मिल भी नहीं रहा था सही से, बहुत डर लगता था। तो उनको 5-6 दिन लगे सर पैदल आते 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 आते, तो सर बहुत हालत ख़राब हो गई इनकी बहुत। और अभी लॉकडाउन लग गया तो बस्ती वाले हमारे वापस से सब घबराने लग गए। कि लॉकडाउन लग गया है तो हमारे बस्ती वाले सर रोज़ मजदूरी करना पड़ता सर वहाँ पर हमारे को सबको, और मजदूरी करके रोज सब उनका पेट भरते हमारे। कोई गड्ढे खोदने जाता है, कोई रोड खोदने जाता है, कोई सब अलग अलग काम करते हैं सर। उदय, अपनी आप अपने गांव में जाकर बोल देना कि लॉकडाउन कितनी देर भी चले, चाहे 1 महीना चले, 2 महीने चले, 6 महीने चले, कभी तक चले, आपके पूरे गांव को जो राशन है वो मेरी तरफ से पहुँचता रहेगा। इतना भी वक्त लगे उनको बोलिए, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, आपके कोई भी घर का चूल्हा जो है बिना खाने के नहीं बनेगा जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या बात है, मतलब उदय भाई आप इस उम्मीद एपिसोड में, मैंने जैसे पहले बोला था कि आप पूरे गांव की उम्मीद हो, और आज आपकी उम्मीद सोनू भाई बने। थैंक यू सो मच सोनू भाई,